हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? मैं प्रेम की किचन में खड़ी हूँ और आज पता है मैं आपको क्या खिलाने वाली हूँ। पहले तो मैं बताती हूँ, मैं ना तमिलनाडु गई हुई थी और हफ्ता वहीं रुकी हुई थी और पता है क्या, वो रोज डोसा खा खा के इतनी सैचुरेशन हो गई थी ना, तो मैंने होटल में भैया को बोला भैया आज कुछ आटे का खिला दो। तो भैया कहता है यहाँ तो आटे का नहीं मिलता मैडम, रोटी नहीं मिलती। तो मैंने कहा कुछ और खिला दो। कहता है अच्छा यहाँ ना मैं तुम्हें एक डोसा खिलाता हूँ। तो वो कौन सा डोसा, उसने नाम लिया नीर का डोसा। मैंने कहा चलो भैया कुछ भी खिला दो, और सच में घी बिल्कुल कम, रोटी से भी कम घी लगता है इसमें। तो उसने खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने यहाँ पर किचन में आई तो मैंने सोचा ये आइडिया सबको देना चाहिए, बहुत टेस्टी है, तो मैं भी आज वही बना रही हूँ। इसके लिए पता है क्या क्या चाहिए, इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। ये देखो, एक कप तो आटा ले लीजिए, आधा कप सूजी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सूजी से कुरकुरापन आएगा आपके आटे में, नहीं तो आटा जो आप जो बनाओगे ना गोल उसमें अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आटा एकदम चिपक जाता है और सूजी उसको थोड़ा खड़ा खड़ा रखती है। ये ले लिया हमने, एक और आधा कप ले लिया सूजी, आधा कप और एक कप आटा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको घोल लेना है पानी में, ठीक है। पानी कितना लेंगे, पानी ज्यादा ही लगेगा। ये मैंने पानी लिया है, देखो इसको मैं इसको इसमें डालती जा रही हूँ, और इसमें ना थोड़े से धनिया के पत्ते डाले हैं मैंने, मेरे पास धनिया सूखा हुआ पड़ा है, ये देखो सुखा के रखा हुआ एकदम हरा हरा, ये मैंने डाले। थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाला मैंने इसमें, आधा चम्मच, और अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। और इसमें अजवाइन डाल लेना, बहुत अच्छा होता है ये, हमारी गैस्ट्रिक सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा लगता है, ठीक रखता है ये। इसको डाल लेना और इसको घोल लेना। देखो मैंने ना ये कंसिस्टेंसी दी है, देखिए आप, ये देखिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको, पतला पतला रखना है, क्योंकि आपने बाजार में देखा होगा जो डोसा का घोल होता है ना, वो पतला पतला होता है ऐसे ही, देखो बिल्कुल ना गाढ़ा ना पतला, ठीक है, ऐसे बना लेना। और इसको ना रख देना आधा घंटा, सूजी फूल जाएगी इसमें, इतनी देर ना हम चटनी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और चटनी के लिए देखो क्या क्या सामान चाहिए, मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। एक चम्मच मैंने जीरा लिया है, जीरा तो बहुत अच्छा लगता है इस चटनी में, क्योंकि मैंने खाई थी बहुत अच्छी बनी थी। एक चम्मच जीरा, और थोड़ी सी मूंगफली ले लेना, मूंगफली बजट ज़्यादा ले लेना, क्योंकि साउथ इंडिया में मूंगफली बहुत चलती है, ठीक है। और ये हमारे मस्टर्ड सीड्स हैं, ठीक है, ये ले लेना एक चम्मच, और थोड़े से 10-12 कड़ी पत्ता ले लेना, मैंने तो सुखाए हुए हैं बिल्कुल, देखो हरे हरे हैं। ये लेके इसको ना कढ़ाई में एक चम्मच घी में रोस्ट कर लेना, या तो ऑलिव ऑयल ले लेना या सरसों का तेल ले लेना। सरसों के तेल को पहले गरम किया जाता है, थोड़ा सा गरम कर लेना इसको, ठीक है। फिर इसमें मसाला डाल के जब ये तड़तड़ करेंगे ना, तड़तड़ की आवाज आएगी इसमें से, इसको उतार लेना और इसको जल्दी से मिक्सी में डाल लेना, मिक्सी में डाल लेना जल्दी से। और ये मैंने धनिया मिक्सी में ऑलरेडी डाला हुआ है, देखो धनिया बिल्कुल ताजा है, हरा है, धुला हुआ है एकदम, और फ्रिज से निकाला हुआ है मैंने अभी, ठीक है। इसको डाल के ये मसाला इसमें सारा डाल देना जो हमने ये भुना है थोड़ा सा, और इसमें आप ये इमली का पानी डाल देना, या तो इमली का पानी डाल लेना, या ये नींबू रखा हुआ मैंने, एक नींबू या आधा नींबू डाल लेना इसमें, सारा कुछ, प्याज भी, एक प्याज और अदरक और लहसुन आपकी मर्जी है, डालना है तो डालो, ठीक है। लहसुन भी डालना है तो लहसुन की तुरियां डाल लेना, ठीक है। मेरे पास वो मोटा लहसुन भी पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लहसुन के बाद ना आप इसको ये देखिए लहसुन डालना है, ये भी डाल लेना, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि हमारे घर में लाइक नहीं करते। ये डाल लिया हमने, और नमक वगैरह सब रेडी करके इसको ग्राइंड कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने चटनी रेडी कर दी, और मैंने ना थोड़ी सी चटनी इसमें मामदस्ते में भी बनाई है, इसमें कूट के बनाई है, थोड़ी सी प्याज डाला है इसमें, थोड़ा सा वही धनिया और ये सारा मसाला इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा नींबू डाल के इसको, क्योंकि कई लोग ना खड़ी खड़ी लाइक करते हैं चटनी, ठीक है, ये मैंने खड़ी वाली बनाई है। और ये जो मेरी चटनी बनी थी जार में, ये देखो पतली वाली मैंने बनाई है, ये देखिए, ये कई लोग पतली लाइक करते हैं और कई लोग मोटी मोटी लाइक करते हैं, मैंने दोनों बना ली थी इसलिए। और इसको फिर मैं, अब हमारा आधा घंटा हो गया, मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, चटनी हमारी रेडी हो गई, ठीक है, चलो डोसा बनाते हैं। अब हमारा बैटर भी रेडी हो गया, आधा घंटा हो गया,
और इसका देखो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, देखिए आप, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, ऑलमोस्ट दो गुना पानी डल जाता है आपका, देखना जब आप करेंगे ना इस तरह आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आप तवा रख लेना, क्योंकि मेरे पास तो दो तवे हैं और मैं आपको सब बता देती हूँ। एक तो ये थोड़ा प्लेन तवा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, और एक मेरा नॉर्मल है ये तवा है, ये दोनों। और इसके बाद एक बार मेरे पास पैन है, तीनों में हम बना सकते हैं, जैसे आपका मन है बना लेना। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रशिंग कर देना ऑयल की, और गैस ऑन कर लेना, ठीक है। गैस ऑन करके ब्रशिंग करके तीनों में ब्रशिंग कर लो, तीनों में बनाना है, जल्दी बन जाएगा। आप ये आपके ऊपर है, फिर इसके ऊपर और साइज भी देख लेना, आपने बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। आज मैं आलू वाला नहीं सिखा रही हूँ, प्लेन बना रही हूँ। और इसमें देखो कोई मैंने इनो नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला केमिकल्स, क्योंकि दादी जब हमारी दादी बनाती थी वो हमें ऐसी पूरा सा कह देती थी इसको, तो हम पूरा खाते थे ऐसा ही। अब इसको थोड़ा गर्म होने दो तवे को, ठीक है। तवे को गर्म होना, देखना जब आपको थोड़ा घी लगाया उसके बाद छींटे मारोगे पता लग जाएगा, देखो छींटे की आवाज आ रही है। और एक बात याद रखना, जो पहला डोसा बनता है वो इतना अच्छा नहीं बनता, वो थोड़ा टूट भी जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो बाजार में भी बनता है जब वो पहला डोसा बनाते हैं वो टूट जाता है, फिर वो सारा दिन बनाते रहते हैं। इसके ऊपर कोना फेर लो, थोड़ा सा कपड़ा फेर लो, सारा दिन बनाते हैं फिर वो ठीक चलता जाता है, घबराना नहीं पहला अगर टूट जाता है तो। इट इज इसके ऊपर अब डाल लो अपना बैटर और जल्दी से फैला लेना, क्योंकि पतला पतला बनाना है हमें, ठीक है। ये देखो साइज जितना रखना है आप रख लेना, बड़ा या छोटा, ठीक है। ये देखिए, अगर और बड़ा करना है और बड़ा कर लेना। अब इसको ना हम गैस को सिम रखेंगे और धीरे धीरे अपने आप इस परत को उतरने देंगे, हम अभी कुछ कोशिश नहीं करेंगे उतारने की इसको जबरदस्ती। इसको धीरे धीरे सिम करके सिम पे पड़ा रहने दो, और इधर हम अपना ये रेडी कर लेते हैं सामान, ठीक है। अब ये देखो मैंने और डोसा भी रेडी करना है इधर, ठीक है। दूसरे तवे पे रेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा, देख रहे हैं आप। ये थोड़ा मैंने बड़ा रखा था, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला इसके ऊपर रखते हैं, और ये कढ़ाई में रख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको होने दीजिए। अब हम इतनी देर प्लेट की सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि जब हम सर्विंग करते हैं हमारी सर्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए गेस्ट को या किसी को भी घर में, ठीक है। प्लेट में डेकोरेट करके अब हम डालते हैं, ये एक तो चटनी डाली हुई है ग्रीन वाली, ये मिक्सर की है, और ये जो हमने पतली गाढ़ी वाली चटनी बनाई थी इसको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये देखिए गाढ़ी वाली चटनी है, ठीक है। और ये देखिए ये हमारी पतली वाली चटनी है, क्योंकि दोनों अच्छी लगती हैं। इसमें नींबू डालना है, नींबू डालना, इमली डालनी है, इमली डालना। अब इसके बाद डोसे का साइज देख लेना, वैसे तो बाजार में बड़ा डोसा मिलता है लेकिन कई लोग घर में नॉर्मल रोटी साइज भी बना लेते हैं, ये आपके ऊपर है आपने बड़ा बनाना है। बाजार में तो साइज बहुत बड़ा तवा होता है उनका, हमारा तवा इतना बड़ा नहीं है। देखो अपने आप उतरना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप, मैंने कुछ नहीं किया, साइडों से उतर गया, उतरने तो इसको और अच्छी ना, देखो अभी मैं इसी से ही कर रही हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं यूज़ किया मैंने, इसी से कर रही हूँ मैं। और इसका साइज चेंज कर देना, अभी होने तो और लाल, देखो साइज में इसकी मोरिया शुरू हो गई डोसे जैसी। अब इसका भी साइज चेंज कर लो, इसका भी साइज चेंज कर लो, देखो देख रहे हैं आप ये रेडी हो रहा है। तेज कर लो अब सेक, अब तो कोई बात नहीं, हल्का सा, क्योंकि अब दूसरा साइड अब पका रहे हैं। अगर इसमें आलू वगैरह मिक्स करने हैं वो मैं एक नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको रेसिपी, ये बहुत टेस्टी लगता है ये विदाउट आलू ऑल्सो, क्योंकि हम जल्दी में कुकिंग कर रहे हैं और हमें कई बार जल्दी ज़्यादा भूख लगी होती है, उसका फिर थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस हो जाता है।
उसमें हम पनीर भी भर सकते हैं, आलू भी भर सकते हैं और कुछ भी भरो। अभी तो ये बहुत पौष्टिक बना है हमारा, और देखो रोटी से भी ज़्यादा पौष्टिक है ये डोसा ना, बहुत टेस्टी लगता है। देखो और कैसा लगा, ठीक है। ये मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, अभी दो जो बने हैं, एक मैंने पैन में, अब ये आपकी मर्जी है पैन में तवे में, और ये कैट तवा है, ये मेरा घर वाला किचन वाला तवा है, तीनों में मैंने एक एक डाल दिया है, ठीक है, ताकि आपको रहे कि किस, मतलब मेरे पास ये तवा नहीं है, कई लोग कहते हैं मेरे पास वही बड़ा तवा नहीं है, तो देखो मैंने तीनों वेराइटी बता दी, आप जैसे मर्जी बनाना। तो भी थोड़ी सी तो लिबर्टी होनी चाहिए ना, अब बाजार से बड़ा तवा थोड़ा लेने जाएंगे घर में जो है, ठीक है ना। ये देखो ये रेडी हो गया, ये मैं प्लेट में डेकोरेट कर लेती हूँ इसे। ये देखिए ये हमारा प्लेट रेडी हो रही है, ये देखो इसमें भी मोरियां हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, साइड में देखो, ये देखिए छोटा सा बनाया मैंने, बच्चे बहुत खुश होएंगे छोटा वाला खा के, ठीक है, ओके। अब ना ये देखो, अब हम खा के भी देख लेते हैं आपके साथ कैसा बना है, देखते हैं। ये देखिए वाओ इट्स वेरी यम्मी, देखा, ये देखो इट्स वेरी वेरी यम्मी। अगर आपने पत्ती चटनी लेनी है उसके साथ ले लो, वेरी यम्मी। अगर ये चटनी लेनी है ये ले लो, वाओ। I think you enjoyed the video. Thank you for watching the video. और आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you.